फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिव्यक्ति इंडियाज फ्यूचर क्लासरूम, द चैनल दैट क्रिएट्स एजुकेशनल वीडियोज टू सर्व द स्टूडेंट्स कम्युनिटी. वी से गेट इन टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व द फैमिली, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द वर्ल्ड एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू एपिसोड. दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हम एसएससी सीजीएल के 5 अगस्त को जो एग्जाम हुई उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे हुए प्रश्नों को हल करेंगे. दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. तो चलिए एसएससी सीजीएल 2017 के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं. तो पहला प्रश्न है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द. तो पहला शब्द है ऑप्यूलेंट, OPULENT. यह पहला शब्द है और इस पहले शब्द का हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सिनोनिम ढूंढना है. इसका मतलब समान अर्थ वाला शब्द ढूंढना है. तो हमें 5 शब्दों का अर्थ मालूम होना ज़रूरी है. तो पहला शब्द है ऑप्यूलेंट. ऑप्यूलेंट का मतलब होता है भव्य. ऑप्यूलेंट का मतलब होता है शानदार. आप एक नोटबुक भी लीजिए और उसमें इन शब्दों के अर्थ लिखिए ताकि उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे और अगले किसी भी एग्ज़ाम में जब यह शब्द आएंगे तो आपको उसका अर्थ मालूम होगा. दूसरा शब्द है स्पेयर्स. स्पार्स इस शब्द का अर्थ होता है अपर्याप्त. अपर्याप्त. दूसरा हम कह सकते हैं कम या तो विरल भी होता है. तो स्पार्स का मतलब होता है अपर्याप्त, कम और विरल. तीसरा शब्द है एसेटिक. एसेटिक इस शब्द का अर्थ होता है तपस्वी. जो तपस्वी होता है उसे एसेटिक कहते हैं, जो आत्मसंयमी होता है, क्योंकि तपस्वी लोग यह आत्मसंयमी होते हैं. जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हें हम आत्मसंयमी कहते हैं, उन्हें तपस्वी कहते हैं. तो एसेटिक का मतलब सिद्ध भी होता है. बाद में चौथा शब्द है ग्रैंडियोस. इस ग्रैंडियोस शब्द का अर्थ होता है आडंबरपूर्ण. यानी जो दिखावटी होता है उसे हम आडंबरपूर्ण कहते हैं. जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे हम आडंबरपूर्ण कहते हैं. या तो ग्रैंडियोस का उपयोग अर्थ यह भी होता है भव्य. जो भव्य दिव्य होता है, जो शानदार होता है, उसे भी ग्रैंडियोस कहा जाता है. और अगला शब्द है पेन्यूरियस. पेन्यूरियस का मतलब होता है कंगाल. जो कंगाल होता है उसे पेन्यूरियस कहा जाता है. इसी का मतलब जो गरीब होता है, जो निर्धन होता है, उसे पेन्यूरियस कहा जाता है. अब इन शब्दों के अर्थ आपको अगर पता हो गए तो आप समान अर्थ का उपयोग शब्द ढूंढ सकते हो. ऑप्यूलेंट का मतलब है भव्य और ग्रैंडियोस जो भव्य दिव्य है, जो बड़ा है, जो शानदार है, उसे भी ग्रैंडियोस कहा जाता है. तो ऑप्यूलेंट इस शब्द का समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम हो जाएगा ग्रैंडियोस. अगला जो शब्द है वो है ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क GROTESQUE और इस शब्द का अर्थ होता है असंगत. जो असंगत होता है उसे ग्रोटेस्क कहते हैं. जो कुरूप होता है उसे ग्रोटेस्क कहते हैं.
इसी का मतलब जो भद्दा होता है उसी को ग्रोटेस्क कहते हैं, या तो ग्रोटेस्क का अर्थ होता है जो भ्रष्ट है उसे ग्रोटेस्क कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इस शब्द का अर्थ आपको पता है, जो मामूली होता है, जो सामान्य होता है उसे ऑर्डिनरी कहा जाता है। और अगला शब्द है नॉर्मल। नॉर्मल का भी अर्थ आपको अच्छे से पता है क्योंकि यह बहुत बचपन से यह शब्द हम सीखते आते हैं। नॉर्मल का शब्द अर्थ भी होता है जो सामान्य होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगला शब्द है फेब्यूलस। फेब्यूलस इस शब्द का अर्थ होता है शानदार। जो शानदार होता है उसे हम फेब्यूलस कहते हैं। जो उत्कृष्ट होता है उसे हम फेब्यूलस कहते हैं। तो उत्कृष्ट और शानदार के लिए हम फेब्यूलस इस शब्द का उपयोग कहते हैं। और अगला जो शब्द है वह है डिस्टॉर्टेड। अब डिस्टॉर्टेड इस शब्द का अर्थ है जो विकृत है। विकृत का मतलब होता है जो कुरूप है उसे हम डिस्टॉर्टेड कहते हैं। जो दूषित है या तो जिसे जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो दूषित है जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे हम डिस्टॉर्टेड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है यानी समान अर्थ वाला। तो ग्रोटेस्क का अर्थ है असंगत, जो कुरूप है जो भद्दा है उसे हम ग्रोटेस्क कहते हैं। तो यहाँ डिस्टॉर्टेड का मतलब है विकृत या कुरूप या दूषित। तो ये दोनों जो शब्द है ये दोनों समानार्थी शब्द है, इसलिए ग्रोटेस्क इस शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा डिस्टॉर्टेड। जो डिस्टॉर्टेड है उसे हम ग्रोटेस्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंटोनिम का मतलब होता है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। तो जो विरुद्ध अर्थ वाले शब्द है उसको हमें ढूंढना है। तो पहला जो शब्द है एपेक्स है। इस एपेक्स शब्द को नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से विरुद्ध अर्थ वाला शब्द कौन सा है, एंटोनिम कौन सा है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों एपेक्स इस शब्द का अर्थ होता है चोटी, या तो उसका अर्थ होता है शिखर। किसी माउंटेन की चोटी के बाद जब हम करते हैं शिरोबिंदु की बात करते हैं, शिखा की बात करते हैं, तब हम एपेक्स इस शब्द का उपयोग करते हैं। अब यहाँ अगला शब्द जो है वह है बेस। इस बेस शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, जो मूल होता है, जो फाउंडेशन होता है, जो स्तंभ होता है उसे हम बेस कहते हैं। जो नींव होगी उसे हम बेस कहते हैं। तो बेस का अर्थ होता है मूल या स्तंभ या नींव, या उसे और कहते हैं हम आधार भी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है जेनिथ। अब जेनिथ शब्द का अर्थ होता है चरम बिंदु। जेनिथ इस शब्द का अर्थ होता है चरम सीमा। इसी का अर्थ होता है सर्वोच्च शिखर। तो जेनिथ का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर। और अगला जो शब्द है वह है मेरिडियन। इस मेरिडियन शब्द का अर्थ होता है जो भूमध्य रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा, यानी यहाँ हमने ध्यान में रखना है इसका मध्य से संबंध है। और जो मेडियन है इस मेडियन का अर्थ जो होता है वो होता है मध्य रेखा। तो इसका भी संबंध मध्य से होता है। तो ये दोनों है, चोटी की बात कर रहा है एपिक शब्द, और जेनिथ शब्द भी चरम सीमा यानी सर्वोच्च शिखर की बात कर रहा है। तो ये दोनों शब्द हो जाएंगे सिनोनिम। अगर आपको कभी पूछा एपेक्स का सिनोनिम क्या है तो वो हो जाएगा जेनिथ। लेकिन यहाँ हमें विरुद्धार्थी शब्द पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो उसका अर्थ हो जाएगा शिखर, उसका
विरुद्ध शब्द हो जाएगा मूल, या तो स्तंभ या तो नियो, तो उसका हो जाएगा बेस। तो एपेक्स इस शब्द का एंटोनिम हो जाएगा बेस। अगला शब्द था इर्क, आई आर के इर्क, और उसके लिए चार ऑप्शन दिए थे ए बी सी और डी, और इन चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना था जो इर्क का अपोजिट शब्द बताता है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो हमें अपोजिट शब्द बताना है इर्क के लिए। तो इर्क इस शब्द का अर्थ होता है, इर्क मतलब सताना, इर्क का और मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को भी गुस्सा दिलाना, उसे इर्क कहा जाता है। अब एक ऑप्शन है जिनायल, जिनायल का मतलब होता है आनंददायक, जिनायल का अर्थ होता है उपजाऊ, जिनायल का अर्थ होता है प्रसन्न। और अगला जो ऑप्शन है वो एग्जास्परेट है, एग्जास्परेट का मतलब होता है उभारना, भड़काना। थर्ड ऑप्शन जो है वह है वेक्स, वी ई एक्स वेक्स, और इस वेक्स का अर्थ होता है खिजाना, यानी ही चिढ़ाना, किसी को तंग करना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना। और चौथा ऑप्शन है पिक, पी आई क्यू यू ई, जिसका अर्थ होता है मनमुटाव या तो नाराजी या तो झगड़ा। तो यह हमें पांच शब्दों के अर्थ पता हो गए। तो इर्क इस शब्द का अर्थ होता है सताना, गुस्सा दिलाना, या तो चिढ़ाना, खिजाना। अब हमें पूछा है अपोजिट वर्ड, सिनोनिम पूछा होता तो उसका सिनोनिम हो जाता था वेक्स हो जाता था, मगर हमें एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिनायल, आनंददायक, उपजाऊ या प्रसन्न। गुस्सा उसका अपोजिट हो जाएगा प्रसन्न, तो इर्क इस शब्द का अपोजिट हो जाएगा जिनायल। अगला प्रश्न था फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं ए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और इन चार में से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। यह शब्द जो है नीज, यह शब्द है तो नीज का करेक्ट स्पेलिंग होता है एन आई ई सी ई, यह नीज का करेक्ट होता है, तो सी ऑप्शन यह करेक्ट हो जाएगा, तो एन आई ई सी ई ये करेक्ट स्पेलिंग है। अगले चार ऑप्शंस है डिक्शनरी, और उसके स्पेलिंग्स इस चार तरीके से बनाए हैं। हमें डिक्शनरी इस शब्द का स्पेलिंग पता हो तो हमें ऑप्शन ढूंढने में समय नहीं लगेगा। तो डिक्शनरी का स्पेलिंग होता है डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। यहाँ ध्यान में रखिए डी ई सी नहीं होता है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और एन ई आर वाई, ये दो में ज़्यादा कर गलती होती है, तो एन ए आर वाई है, एन ई आर वाई नहीं है। तो डिक्शनरी का स्पेलिंग है डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। अगला प्रश्न था सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है यह हमें बताना है। इस सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया है और वो चार ऑप्शन के रूप में दिए गए। ए पार्ट है ही मेड मी, बी पार्ट है टू डू, सी पार्ट है ऑल द वर्क, एंड डी ऑप्शन है नो एरर। यानी तीन पार्ट बनाए हैं और इन तीन पार्ट में कहीं गलती हो
तो वह बताना है, और अगर इस सेंटेंस में गलती ना हो तो आंसर हो जाएगा नो एरर। तो ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, नाइदर ऑफ देम वेयर एबल टू कंप्लीट द वर्क। दोस्तों ध्यान में रखिए, जब नाइदर ऑफ होगा या आइदर ऑफ होगा तो उसके बाद जो वर्ब आता है वह हरदम सिंगुलर होता है, वेयर यह प्लूरल है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज, तो करेक्ट हो जाएगा नाइदर ऑफ देम वॉज एबल टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ नाइदर ऑफ देम करेक्ट है, वेयर एबल तो वेयर यह गलत है, इसके जगह वॉज होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नाइदर ऑफ देम वॉज एबल टू कंप्लीट द वर्क, आइदर ऑफ देम होगा तो भी यहाँ सिंगुलर आएगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, नाइदर ऑफ देम या तो आइदर ऑफ देम, इसमें हरदम सिंगुलर आता है। और उसी तरह से हम और कंजंक्शंस यूज करते हैं, वह है नाइदर नॉर और दूसरा है आइदर और। तो इस तरह से ये जब कंजंक्शन यूज करते हैं तब सिंगुलर का उपयोग कब करते हैं, प्लूरल का उपयोग करते हैं, यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हरदम सिंगुलर ही आएगा, लेकिन यहाँ कब सिंगुलर आएगा और कब प्लूरल आएगा यह हरदम ध्यान में रखिए, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इसी जगह पर होती है। दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न के तरफ मुड़ते हैं। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। दूसरों ने की हुई गलती को जब कोई और भोगता है तो उससे कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, दूसरे के गलतियों को, दूसरे ने गुनाह किया है, दूसरे ने पाप किया है और उस पाप की सजा किसी और को भोगनी पड़ती है, तब हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सर्वव्यापी होता है उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ध्यान में रखिए, जहाँ जहाँ ओमनी यह प्रिफिक्स यूज होगा उसका अर्थ होता है सर्व, सर्वव्यापी होता है भगवान, ऐसा हम कहते हैं कि भगवान यह सर्वव्यापी होता है, हर जगह मौजूद होता है, तो हम उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा शब्द होता है ओमनीशियंट। ओमनीशियंट, शियंट का अर्थ होता है ज्ञान से होता है, और ओमनी का मतलब मैंने आपको बताया सर्व है, तो ओमनीशियंट का मतलब होगा सर्वज्ञानी, जिसे सब बातों का ज्ञान होता है, वह भी परमात्मा होता है, उसे हम ओमनीशियंट कहते हैं। और एक शब्द मैं बताता हूँ जो है ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति और ओमनी का मतलब होता है सर्व, जो सर्वशक्तिमान होता है उसे हम ओमनी पोटेंट कहते हैं। और ओमनी पोटेंट यह भी शब्द परमात्मा के लिए लागू होता है, क्योंकि परमात्मा यह सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञानी होता है, सर्व जगह प्रेजेंट रहता है, सर्वव्यापी होता है, इसीलिए हम भगवान को ओमनीशियंट कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है वह है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है नाम रहित। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, उसका और अर्थ होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट होता है उसे भी एनोनिमस कहा जाता है। तीसरा शब्द होता है स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है सीधे सीधे बलि का बकरा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। एपिलोग का मतलब होता है उपसंहार।
तो स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो बलि का बकरा मीन्स वन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। तो इसीलिए इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सी, दैट इज स्केपगोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, इसके लिए तीन ऑप्शंस दिए हैं और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पहला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जो अनिवार्य होता है उसे इनएविटेबल कहते हैं। उसी का मतलब जो आवश्यक होता है, जो अवश्य, उसका मतलब जो टल नहीं सकता उसे इनएविटेबल कहते हैं। दूसरा शब्द है इनकॉरिजिबल, उसका मतलब होता है असुधार्य, उसी का मतलब होता है असंशोधनीय। इसका मतलब जिसे जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। और इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय, अजेय, जिसको कभी हरा नहीं सकते, जो हरदम जेय होता है, जो हरदम विजेता होता है, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। जिस पे जय प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। अब यहाँ कहा गया दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसमें करेक्शन नहीं किया जाता, इसी का मतलब जो असुधार्य है, जो असंशोधनीय है, उसे हम इनकॉरिजिबल कहते हैं। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इनकॉरिजिबल। अगला शब्द जो है शॉर्ट स्पीच, अ पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक, किसी भी किताब के या नाटक के अंत में एक छोटा सा स्पीच लिखा होगा या तो एक पोएम होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, या तो उसे भूमिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना यह किताब की शुरुआत में होता है। डिबट का मतलब होता है प्रारंभ, यानी जो हम शुरू में करते हैं, पहली बार करते हैं, उसे डिबेट कहते हैं। अगर आप पहली बार स्पीच दे रहे होगे तो उसे कहते हैं डिबेट स्पीच। तो यह हो गया डिबेट का मतलब। अब चौथा जो ऑप्शन है वह है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम, उसका मतलब होता है शिखर। हम कहते हैं पिक्चर में क्लाइमेक्स आ गया, जब वो चरम सीमा पर आता है तब उसे हम कहते हैं कि उसमें क्लाइमेक्स आया है। तो एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, प्रीफेस का होता है प्रस्तावना, डिबेट का मतलब होता है प्रारंभ, यानी शुरू में जो करते हैं। जैसे जीवन में पहली बार जब हम स्पीच देते हैं तब हम उसे डिबेट स्पीच कहते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रारंभ। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम या शिखर। तो जो अंत में होता है स्पीच या पोएम, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा एपीलॉग। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टीदिंग प्रॉब्लम्स। टीदिंग प्रॉब्लम्स, इस इडियम का अर्थ क्या है। आपको पता है कि जब बच्चों को दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, उस समय दस्त होना शुरू होता है और कई प्रकार के तकलीफें शुरू होती है और कुछ दिन बाद वो रुक जाती है। तो टीजिंग प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एक्टिविटी, यानी किसी भी कार्य के शुरुआत में जो कुछ थोड़े समय के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसे टीजिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है समथिंग दैट इज ऑफ लेस वैल्यू, प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी,
प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्टिविटी एंड टीथ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सही अर्थ होगा प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के या किसी भी कार्य की शुरुआत में अर्ली स्टेजेस में जो भी प्रॉब्लम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें हम टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What is the meaning of the idiom to keep the wolf away from the door? इसका मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। तो सही ऑप्शन होगा to keep away from the extreme poverty. Extreme poverty से अपने को दूर रखना, इसी का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। अगला प्रश्न जो था वह था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर। तो पहला सेंटेंस था ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बट ही हैज नेवर बीन एज मच डिजेक्टेड एज ही इज टुडे। यहाँ पे एज मच डिजेक्टेड एज नहीं कहते हैं, यहाँ पर कहना चाहिए सो डिजेक्टेड एज ही इज टुडे, क्योंकि सो एज यह एक कोरिलेटिव टर्म है, सो के साथ एज पेयर में आता है, तो यहाँ हम कहेंगे सो डिजेक्टेड एज ही इज टुडे एंड इसीलिए सी ऑप्शन यह करेक्ट होगा। यह सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होगा कि ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बट ही हैज नेवर बीन सो डिजेक्टेड एज ही इज टुडे। अगला सेंटेंस है सॉक्रेट्स हैड मैनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वॉज प्लूटो। सॉक्रेट्स के बहुत शिष्य थे और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था प्लेटो। अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया है द मोस्ट ग्रेट, अब यह गलत है। ग्रेट इस शब्द का सुपरलेटिव डिग्री होता है ग्रेटेस्ट, जब इसका सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट होता है तो हम मोस्ट ग्रेट नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रेटेस्ट। तो सॉक्रेट्स हैड मेनी डिसाइपल्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम वॉज प्लूटो। तो ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री होता है ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो हम मोस्ट ग्रेट कभी भी नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रेटेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सो द सेंटेंस शुड बी लाइक दिस, सॉक्रेटिस हैड मेनी डिसिपल्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम वॉज प्लूटो। अगला सेंटेंस है नाइदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। अब हम यहां देखेंगे तो यहाँ पहले हमें लगेगा कि एम यह गलत है क्योंकि जज है और आई है तो यहाँ दो सब्जेक्ट्स है, तो दो सब्जेक्ट्स है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब हम नाइदर नॉर इस कंजंक्शन का उपयोग करते हैं तो इस सब्जेक्ट के पास जो होता है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगता है। यहाँ पे आई है तो इसीलिए सिंगुलर लगेगा एम, अगर यहाँ पे यह प्लूरल होता तो यह भी प्लूरल होता, इसीलिए नाइदर द जज नॉर आई एम यह करेक्ट है। रेडी टू अनाउंस हु, इट शुड बी हु इज द विनर, यहाँ प्रश्न है तो हम हु इज द विनर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हु द विनर इज, हु द विनर इज, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई एम रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज, आर रेडी टू अनाउंस नहीं होगा क्योंकि वर्ब के क्लोज में नज़दीक में आई है जो सिंगुलर है, इसलिए यह भी सिंगुलर होगा। यह नाइदर नॉर और आइदर और में ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।